अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो बिंदिया, अब सब कुछ पहले जैसा ही कर दो। माँ से माफी मांग लो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। माँ से माफी मांगकर इस बात को यहीं खत्म करते हैं बिंदिया। माँ का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। हेलो, कैसी हो बिंदिया रानी? आ रही हो ना घर? हाँ। एक फोन कल तुमने हमें किया था, आज हम कर रहे हैं तुम्हें। तुम्हें ना एक बात बताने के लिए। क्या? वो कहा है कि अभय ने तुम्हें फोन किया था ना घर वापस आने के लिए। असल में वो फोन ना हम ही ने करवाया था लल्ला से। कहते हैं कि पेड़ वही सीधा खड़ा रहता है जो आंधी के सामने झुक जाता है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारे सामने झुकना पड़ेगा। वो का है बिंदिया रानी? अब है तुम्हें मजबूर करेगा हमसे माफी मांगने के लिए। नहीं माँ जी, हमें अपने और अभय जी दोनों पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हथियार कीजिए। सोच क्या रही हो बिंदिया? तुम रिश्ते सवारने में यकीन करती हो ना? तुम ये मानती हो ना कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इससे बड़ा रिश्ता कोई भी नहीं होता। माँ से माफी मांग लो बिंदिया, सब ठीक कर दो और ये किस्से को बस अब यही खत्म कर दो। किस बात की माफी मांगे अभय जी? सच को सच कहने की माफी, झूठ को झूठ कहने की माफी। अगर हम गलत होते तो 100 बार भी माफी मांग लेते, मगर यहाँ हम सही हैं और सासू माँ गलत। वो ये सब कुछ नाटक कर रही है। इसका मतलब तुम माँ से माफी नहीं मांगोगी? हमें बड़ों से माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है अभय जी, मगर हम ये नहीं मान सकते कि हम गलत हैं और सासू माँ सही। भगवत गीता में भी लिखा है, गलत का साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना कि गलत करने वाला, और हम ये गलत का साथ नहीं दे सकते।
ये क्या बदतमीजी है बिंदिया? मैंने सब कुछ भुलाकर तुम्हें घर वापस बुलाया और तुम होगी माफी तक नहीं मांग सकती। तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत हुई है। कैसी हालत अभी जी? सासू माँ ने हमें खुद फोन करके कहा कि अगर हम घर में वापस आए तो हमें उनके सामने झुक के रहना पड़ेगा, कि आप हमें मजबूर कर देंगे उनसे माफी मांगने के लिए। और वैसा ही हुआ। आप उन पर तरस खा रहे हैं जो चाल पे चाल चली जा रही है। तुम फिर से झूठ बोल रही हो बिंदिया। माँ ऐसी हालत में तुम्हें कैसे फोन कर सकती है? देखो बिंदिया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अरे अपनी गलती स्वीकार कर लो, मांग लो माफी। अभय माफ कर देगा और तुम्हारे सारे पाप को भूल भी जाएगा। माफी मांग लो। अगर आपको लगता है कि सच में सासू माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो हमें मौका दीजिए, मौका दीजिए हमें अपने आप को साबित करने का। अरे बिंदिया, कितने मौके लोगी। अरे तुमने कितनी कोशिश की लेकिन कछु साबित नहीं कर पाई हो, जबकि अभय ने अपनी जान दांव पर लगाकर ये साबित कर दिया है कि हमारी अम्मा की हालत सच में खराब है। हम समझते हैं बिंदिया कि तुम सीएम हो, इसीलिए माफी मांगने में थोड़ी हिचकिचाहट है, पर याद रखो माँ माँ होती है। सोच लो बिंदिया, पर तुम्हें इस घर में रहना है, तुम्हें माँ से माफी मांगनी होगी। मारी की तो नहीं? माँ यहीं आ गई है बिंदिया, माफी मांग लो। देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।